हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा इडली विद खोपरे की चटनी। अब हम इडली का बैटर बनाएंगे। उसके लिए लगेगा हमें सूजी। 1 कप सूजी ले लीजिए, 1 कप दही डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको मिक्स करके अच्छे से इसको थोड़ी देर रेस्ट करने रख देंगे, 10 से 15 मिनट। अब बघार के लिए एक पैन में हम तेल गरम करेंगे, जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैरेट और फ्रेंच बीन्स लिए हैं, आपको जो पसंद है वो ले लो और डाल दो। इसको अच्छे से सॉटे कर लो। बीटरूट डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डालिए। अब इसको ये रवा बैटर में डालना है, सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए इसको। अब ये इडली का केस ले लेना है, इसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है ताकि इडली चिपके नहीं, और ये इडली का बैटर इसमें पोर करना है। इडली को स्टीम होने रख दिया है। बनाएंगे खोपरे की चटनी इडली और डोसे के साथ खाने के लिए। उसके लिए हमको लगेगा 1 कप खोपरा, थोड़े से कोथमीर, हरी मिर्च और चना दाल, 1 चम्मच चना दाल। इसको मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेना है सब चीज़, थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है। देखिए इसको ग्राइंडर में बारीक बारीक करके डाल देना है और थोड़ी सी इमली और थोड़ा सा पानी डाल के अब पीस लेना है। ये देखिए रेडी हो गई हमारी चटनी। ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है इसको, ऐसी रहना, ज़्यादा थिक रखना है इसको, ठीक है। अब बघार के लिए हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे हम राई, जीरा, हींग। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है मेरी इडली। अब इसको पुदीने की चटनी के साथ हम सर्व करेंगे, खोपरे की चटनी के साथ हम सर्व करेंगे।